चार जूनला इंडिया आघाडीचे लोक एकमेकांचे कपडे फाडतील अशी टीका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केली. भाजपचे उमेदवार प्रताप पाटील चिखलीकर यांच्या प्रचारासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. कौठा येथील मैदानावर ही सभा पार पडली. सकाळी 10 वाजताची सभेची वेळ होती. 11:15 मोदी सभास्थळी दाखल झाले. मोदींनी आपल्या भाषणात काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्यावर हल्लाबोल केला. इंडिया आघाडीच्या 25% जागा अशा आहेत ज्या ठिकाणी आतून ते एकमेकाविरोधात लढत आहेत. जे आघाडीवर भरोसा करू शकत नाहीत त्यांच्यावर तुम्ही भरोसा करणार का असा सवाल मोदींनी उपस्थित केला. काँग्रेसच्या सहजादाला अमेठीवरून पळावे लागेल, आता वायनाडवरून पळावे लागेल असे मोदी म्हणाले. 4 जूनच्या नंतर इंडिया आघाडीचे सदस्य एकमेकांचे कपडे फाडतील असा टोला मोदींनी लगावला. आणि हिंगोली गडाला माझ्या नमस्कार. प्रत्येक आपल्याची तयारी झाली ना? अरे सबसे पहले मराठा वाड के महान दर्द से हुजूर साहब को गुरु गोविंद सिंह जी को प्रणाम करता हूं. मैं रेणुका माता और दत्त भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूं. मैं बाबा साहब अम्बेडकर और नाना जी देशमुख दोनों भारत रत्न जैसे राजपुरुषों को नमन करता हूं. साथियों, वोटर भी देख रहे हैं कि कैसे इंडी एयरलाइन के लोग अपने स्वार्थ में अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक साथ आए. इसलिए खबरें यही है कि पहले चरण में वोटर्स ने इंडी एयरलाइन को पूरी तरह नकार दिया. क्योंकि मतदाता जब मतदान करने जाता है सोचता है भाई ये हिंदी एयरलाइंस वालों आखिर देश किसके हाथ में सौंपना है, कोई तो चेहरा बताओ. इतना बड़ा देश है किसको सुरक्षित करे उसको बताओ, तो बता ही नहीं पाए. दावे जो करें लेकिन सच्चाई यही है कि चुनाव की घोषणा से पहले से ही कांग्रेस के नेता अपनी हार मान चुके और इसलिए कुछ नेता जो लगातार लोकसभा में जीत करके आते थे इस बार आपने देखा है वो लोकसभा का चुनाव छोड़ करके राज्यसभा के रास्ते से अंदर जाके बैठ गए हैं. चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं रही. हालांकि ये है इंडी अलायंस वालों को इस चुनाव में लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं. ज्यादातर सीटों पर इनके नेता प्रचार ही नहीं करने जा रहे और आप जानकर के हैरान हो जाएंगे इस देश की करीब करीब 25% सीटें ऐसी हैं 25% जहां के इंडी एयरलाइन के लोग अंदर अंदर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे. अब वो किस प्रकार की बातें करते हैं कोई कल्पना कर सकता है? चलो कि एक आध में गड़बड़ हो जाए तो समझ सकते हैं. 25% सीटें ऐसी है देश के लोकसभा.
सभा की, जिसमें ये जो अपने आप का गठबंधन का चयन करते हैं वो आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को जेल में डालने की बातें कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। क्या ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं? क्या ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं जो अंदर अंदर भरोसा नहीं कर सकते हैं? उस पर आप भरोसा कर सकते हैं क्या? देश भरोसा कर सकता है? तो आज साथ होने के बाद भी 25% सीटों पर लड़ते हैं, तो अगर उनको थोड़ी सीटें पार्लियामेंट में मिल गई तो अंदर भी वो तूफान करेंगे। और इसलिए इस चुनाव में इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और देखिए कांग्रेस के जो साहबजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। साहबजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये साहबजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके एलायंस के साथ ही एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कल आपने उनके एक साथी केरल के मुख्यमंत्री ने जो साहबजादे को सुनाई है, मैं भी कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता, मैं ऐसी भाषा बोल रही हूँ साथी को। ये हाल है मतलब। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। आप कांग्रेस का एक परिवार, आपको आश्चर्य होगा आजादी के पहली बार स्थिति ऐसी बन रही है कि कांग्रेस का परिवार इस चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं देगा, खुद कांग्रेस को वोट नहीं देगा। ये हाल ही का, क्योंकि जहां वो रहते हैं वहां कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं। अब ये ऐसी स्थिति कभी सोची आपने कांग्रेस की कि जिस परिवार के भरोसे कांग्रेस चलती है वो परिवार खुद कांग्रेस को वोट नहीं दे पाएगा? आप देखिएगा 4 जून के बाद इनकी गठबंधन आज जो 25% सीटों पर बिखरा है, लड़ाई अंदर अंदर लड़ता है, 4 जून के बाद वो 100% एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं, एक दूसरे के पांव जोड़ने वाले हैं। इसलिए ये इनकी अगाड़ी के लिए मुझे बताइए कोई भी समझदार नागरिक इनके लिए वोट बर्बाद करेगा क्या? कभी भी वोट बर्बाद करेगा क्या? और मैं तो मतदाताओं कहता हूं आइए जी भर कर एनडीए को वोट दीजिए, पूरी ताकत से वोट दीजिए। एनडीए को वोट करना है इसी भारत के लिए वोट करना है। इसलिए ही आज पूरा देश कह रहा है एक बार Yeah.